हर एक भारतवासी को नालंदा यूनिवर्सिटी का सच जानना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत प्राचीन भारत में ज्ञान का एक प्रतीक। नालंदा विश्वविद्यालय, जो अब भारत के बिहार में मगध के प्राचीन साम्राज्य में स्थित है, विद्वानों की उत्कृष्टता और बौद्धिक खोज के एक स्मारकीय प्रतीक के रूप में खड़ा है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास स्थापित और 12वीं शताब्दी में इसके विनाश तक फलता फूलता रहा, नालंदा एक प्रतिष्ठित महाविहार या महान मठ था, जो ज्ञान के विशाल भंडार और शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा के पुस्तकालय का महत्व। नालंदा का प्राचीन पुस्तकालय इस प्रसिद्ध संस्थान की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक था। एक विशाल और बहुमंजिला इमारत के रूप में वर्णित, पुस्तकालय पांडुलिपियों और ग्रंथों के व्यापक संग्रह के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों, दर्शन, तर्क, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और अन्य सहित विविध विषयों पर कार्यों की एक अद्वितीय श्रृंखला मौजूद थी। पुस्तकालय महज एक भंडार से कहीं अधिक था। यह बौद्धिक गतिविधि का एक गतिशील केंद्र था, जहां विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, भिक्षु और छात्र गहन अध्ययन और प्रवचन में संलग्न होते थे। ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि नालंदा का पुस्तकालय इतना विशाल था कि कहा जाता है कि इसे 3 मुख्य भवनों में व्यवस्थित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक अध्ययन के विभिन्न विषयों के लिए समर्पित था। यह सावधानी पूर्वक संगठन उच्च स्तर के शैक्षणिक अनुशासन और विद्वतापूर्ण कठोरता को दर्शाता है, जो नालंदा की विशेषता है। पुस्तकालय के संग्रह को ज्ञान का प्रतीक माना जाता था, जिसमें चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दूर दूर से विद्वान आते थे। विनाश और हानि। संघर्ष के समय पुस्तकालय की प्रमुखता ने इसे एक लक्ष्य बना दिया। बताया जाता है कि 13वीं सदी की शुरुआत में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया था, जिससे पुस्तकालय का विनाशकारी विनाश हुआ। हालांकि खिलजी बंगाल के रास्ते में था और नालंदा सीधे उसके रास्ते में नहीं था, घेराबंदी और उसके बाद पुस्तकालय को जलाने के परिणामस्वरूप अनगिनत पांडुलिपियां और ग्रंथ नष्ट हो गए। विनाश का सटीक विवरण ऐतिहासिक अस्पष्टता में छिपा हुआ है, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि नरक ने न केवल भौतिक इमारतों को बल्कि उनके भीतर मौजूद अमूल्य बौद्धिक विरासत को भी भस्म कर दिया। विरासत और पुनरुद्धार प्रयास। दुखद क्षति के बावजूद नालंदा की विरासत कायम है। सीखने और विद्वता की भावना, जो कभी इसकी दीवारों के भीतर पनपती थी, आज भी इसकी बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के समकालीन प्रयासों को प्रेरित कर रही है। आधुनिक पहल शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से नालंदा की भावना के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है, जो इसकी विरासत का सम्मान करना चाहते हैं। 2010 में स्थापित आज के नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य सीखने और अनुसंधान में उत्कृष्टता की प्राचीन संस्था की परंपरा को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा नालंदा पुरातात्विक स्थल, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ज्ञान के इस प्राचीन केंद्र की भव्यता और महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। प्राचीन भारत में बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला के रूप में इसकी भूमिका के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए नालंदा के समृद्ध इतिहास को उजागर करने और दस्तावेजीकरण करने के लिए चल रहे अनुसंधान और संरक्षण प्रयास जारी हैं। निष्कर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी इस बात की सशक्त याद दिलाती है कि शिक्षा के केंद्र मानव प्रगति पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि समय और संघर्ष की मार के कारण नालंदा का भौतिक पुस्तकालय लुप्त हो गया है, लेकिन इसकी विद्वता का स्थायी प्रभाव और इसकी विरासत को पुनर्जीवित करने के चल रहे प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि ज्ञान और शिक्षा की दुनिया में नालंदा की रोशनी लगातार चमकती रहे। हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि खिलजी ने हमारे सारे अध्ययन और प्रवचन में संलग्न को जला दिया, लेकिन हमारे जीवन विज्ञान और खोज को फिर से खोजा होगा जो हम पहले खोज चुके थे, या पता नहीं बिना वैदिक ज्ञान के खोज भी पाएंगे या नहीं। नालंदा के जलने का शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता।